পুরো পৃথিবীতে আসলে ইউএস এর বেস স্টেশন আছে। হ্যাঁ, সময় তারা মনে হয় জেনে আর এই দুজন দুজনের খুব শত্রু, কিন্তু আসলে অনলাইনে চলে আসে। হ্যাঁ, দাল দাল আমাদের পাসওয়ার্ড দিতে হচ্ছে, সব পাসওয়ার্ড ভুলে যায়। মিলিটারি দ্বারা এরকম কিছু একটা ভিডিওর মধ্যে থাকবে। আপনারা সেখান থেকেও ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। न्यूक्लियर सीक्रेट्स स्टडी एप्स के थ्रू ज्यादातर ये यूरोप में हुआ है। यूरोप में जो भी यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड है, तो रशिया को बाय द वे इस डेवलपमेंट से बहुत फायदा हुआ होगा। रशियंस ऐसी बात है, हंस रहे होंगे आज के समय अमेरिकन पर। और ये एक और आर्टिकल है वॉइस ऑफ अमेरिका का, ये आर्टिकल हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका का, क्योंकि ये यूएस का गवर्नमेंट बैक्ड न्यूज़पेपर आउटलेट है। तो ये लोग भी ओपनली यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएसए के सीक्रेट्स एक्सपोज हो चुके हैं। जो भी हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे, न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पर हैं, उनको यूज कैसे करना है, पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन लीक्ड। कहता हूँ कि अगर ये जो न्यूज़ है ऐसे टाइम में आती जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो अब तक ये यूएस मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा होता। अगर सिंस जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, तो इतना ज़रा इस चीज़ को लेकर पैनिक मचा नहीं हुआ। और मुझे पता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ये पूछोगे यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह, ये यूरोप में भी डिप्लॉयड है। आई मीन ये तो सबको पता है कि यूएसए के जो बेसिस हैं ये बिल्कुल पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। जो भी यहाँ पर देश आप देख रहे हो इन मैरून कलर, यहाँ पे आपको मिलेंगे यूएसए के स्टैंडर्ड मिलिट्री बेसिस, चाहे जापान हो, उसके अलावा फिलीपींस, फिर यहाँ पे साउथ कोरिया, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राज़ील में है इनके बेसिस, गल्फ कंट्रीज़ में तो कम्प्लीटली यूएस की आपको डोमिनेशन दिखेगी। इवन टर्की में भी आपको यूएस के मिलिट्री बेसिस मिलेंगे। और फिर यूरोप में प्रॉपरली आप अगर जाओ तो ग्रीस में, इटली में, यहाँ पर जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस के मिलिट्री बेसिस आपको ऑलमोस्ट दुनिया भर में मिलेंगे। एग्जांपल के लिए ये रामस्टाइन एयरबेस है जर्मनी में, यूएस का बहुत ही फेमस है। बताया जाता है कि यहाँ पे F-35 बहुत ही बड़ी संख्या में डिप्लॉय करके रखते हैं, और रशिया का हमेशा ये टारगेट रहता है ये एयरफोर्स बेस। एक रशियन आर्मी जनरल ने एक बार ये भी कहा था कि रामस्टाइन एक दिन अगर गिर गया तो बहुत ही जल्दी जो बाकी यूएस के बेसिस हैं इन पर भी बॉम्बिंग कर सकता है रशिया। सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं यहाँ पर, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड है। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, तो यूएसए ने बताया जाता है कि सिर्फ यूरोप में 150 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब रखे हैं। ये ऑब्वियसली बात है, रशिया जो है तो खूबी शुदी है, रशिया के साथ कोई भी मेजर वॉर है तो सीधा यूरोप से इनके प्लेन उड़ेंगे और रशिया की वेरियस सिटीज पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर गिरा देंगे। और यूएस जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब है ये रखता है प्राइमरली 5 देशों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देश है इटली, फिर है जर्मनी, फिर है टर्की। टर्की में आप सोचोगे ये लोग इतना इसराइल के अगेंस्ट बोलते हैं, यूएस के अगेंस्ट बोलते हैं, ये लोग इसराइल के वेपन्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रोन्स परचेज करते हैं, इसराइल के साथ ट्रेड करते हैं, फिर यूएस के सोल्जर्स टर्की में डिप्लॉयड है, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी टर्की में डिप्लॉयड है। तो मैं इसलिए कहता हूं तार माने होते मुख मुख देखा है जे तारा एकजन एकजन शत्रु, बट किंतु ওরা পিছনে সবার সবার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। वहां पर यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं। कभी भी ये लोग चाहे कहीं भी बॉम्बिंग करनी है ईरान में कहीं भी, तो टर्की से ही उड़ेंगे ये वेपन्स और यहाँ पे बॉम्बिंग करना ये लोग स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा बेल्जियम और फिर नेदरलैंड्स, ये दो देश हैं, यहाँ पर यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपको मिलेंगे एटलीस्ट इन यूरोप। बाकी मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि साउथ कोरिया में भी हो, जापान में भी हो, वहाँ के डिटेल्स ये लोग रखते हैं बहुत सीक्रेट। मुझे आज तक कोई प्रॉपर
यूएस डॉक्यूमेंट मिला नहीं है साउथ कोरिया या फिर जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, तो खैर ऑब्वियस ही बात है कि जब यूएसए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब यूरोप के कई देशों में रखेगा फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए, तो एक टीम भी इनके साथ रखनी होगी, ये टीम ध्यान रखेगी, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है जब आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पर रखते हो आपको आसपास का एरिया कम्प्लीटली गार्डेड चाहिए, आप नहीं चाहते कि गलती से भी वहाँ पर कल को कोई अटैक कर दे, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि कल को कोई आतंकवादी वहाँ पर हमला हो जाए, जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वहाँ पे होते हैं टॉप सीक्रेट, मीडिया आसपास नहीं आएगा, और अंदर जो लोग काम करते हैं वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये बात दुनिया सोचती थी, मैं भी सोचता था, मगर अब जो यहाँ पे इन्होंने कर दिया इससे साफ लग रहा है कि यूएस की मिलिट्री में भी इनडिसिप्लिन, इनकॉम्पिटेंसी ये फैल चुकी है, जो इनके सोल्जर्स हैं ये भी प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो करते नहीं है। अब हाल ही में क्या हुआ ये बात आपको समझनी होगी, जो ये बेसिस हैं जहाँ पर ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनकी नौकरी बहुत बोरिंग होती है, बहुत मुश्किल होती है, दिन में कई बार उनको प्रोटोकॉल निभाने होते हैं, कोई एक आदमी एक कमरे में गया वहाँ पे अलग पासवर्ड यूज़ करना है, फिर अलग कमरे में गया वहाँ पे अलग पासवर्ड यूज़ करना है, हर जगह सिक्योरिटी चेकअप होते हैं, बेसिकली एक आदमी को हमेशा 85 टाइप के पासवर्ड मेमोराइज करते हैं, या फिर कई जो प्रोटोकॉल है कि इस तरीके से हम दरवाज़ा खोलेंगे, इस तरीके से लोग बाहर जाएंगे अंदर जाएंगे, ये सारी बातें रखनी होती हैं हमेशा याद, और सिंस ह्यूमन ब्रेन भूल सकता है ये सब बातें, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हर 6-7 महीने में टेस्ट लेते हैं अपने कि जो भी प्रोटोकॉल है सेफ्टी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या आपको याद है, क्या आपको पासवर्ड्स याद है, क्या जो पासवर्ड्स रिसेंटली चेंज हुए हैं ये सब आपको याद है। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया यूएस के सोल्जर्स ने, फ्लैश कार्ड ऐप्स होती हैं वो यूज़ करनी शुरू कर दी इसको मेमोराइज करने के, ये बच्चों वाले काम है, फ्लैश कार्ड ऐप्स होती है आप गूगल प्ले स्टोर में देखोगे कहीं आपको मिल जाएगी, ये एक तरीका होता है कुछ मेमोराइज़ करने का, उसमें क्या होगा बहुत ही सिंपल ऐप्स होती हैं कोई खास नहीं होता, ये ज़्यादातर स्कूल के बच्चे यूज़ करते हैं इस टाइप की ऐप, इसमें क्या होगा आपके सामने कार्ड बना आ जाएगा उस पर आप क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन के पीछे आंसर लिख दो, लगातार अपने 50-60 ऐसे कार्ड्स बना दो फिर खेलते रहो, आपके सामने एक कार्ड आएगा उस पर क्लिक करो, आपको बताना होगा कि सही आंसर क्या है, सही आंसर फिर आपको जो कार्ड है वो फ्लिप हो गया आपको दिखेगा कि सही आंसर यहाँ पे। तो इन्होंने ये ऐप्स जो यूएस में बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्कूल में टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, इन्होंने हाई प्रोफाइल जो यहाँ पे पासवर्ड्स हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब की लोकेशन है ये सब मेमोराइज करने के लिए ये गूगल प्ले स्टोर फ्लैश कार्ड ऐप्स का यूज करना शुरू कर दिया। ये जो ऐप का डेटा ये पब्लिक में जाता है, आप बेसिकली एक डेवलपर की जो ऐप है वहाँ पर आप मुझे सही में यकीन नहीं होता कि ये हुआ है, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखी है जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इस पर वो यकीन नहीं कर पाते कि ये एक्चुअली हो गया है, जोक सा लगता है काफ़ी बार, मगर यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये ऑनलाइन हर जगह आपको मिलेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पासवर्ड समेत, किस कमरे में यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कहाँ पर हैं, कब से वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, अंदर जाने का प्रोटोकॉल क्या है, बाहर आने का प्रोटोकॉल क्या है, सब कुछ लीक हो चुका है इस तरीके से। ये तो मैंने थोड़ा भाई सेंसर कर रखा है क्योंकि ये पूरा ये दिखाना सही नहीं होगा, ऑनलाइन एवरीथिंग इज वेरी मच विजिबल राइट नाउ, और एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट है यूएस मिलिट्री के लिए, ऑब्वियसली बात है कई लोगों की नौकरी यहाँ पे जाने वाली है, उनको कोर्ट मार्शल ये करेंगे और फिर से इनको मोस्ट प्रॉब्ली नए बेसिस बनाने होंगे, नए यहाँ पे प्रोटोकॉल सेट करने होंगे, पासवर्ड चेंज करने होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली यूरोप में जो इनका न्यूक्लियर वेपन्स सिस्टम था ये एक्सपोज हो चुका है, रशिया को बिना जासूस भेजे मेहनत किए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इन द फ्यूचर भी ये लोग काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं एंटिसिपेट कर पाएंगे कि यूएस अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ पे स्टोर करके रखता है, और ये आप देख पाएंगे ये फोटो भी ली गई है, ये सब लोग हैं इस मिलिट्री बेस के, ऐसे मिलिट्री बेसिस के जो यूरोप में आपको मिलेंगे, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे है, और सब लोग इन सब लोगों ने आपस में जो ऐप्स वगैरह है ये यूज़ करके जो इन्फॉर्मेशन है गलती से लीक कर दिया, किसी का यहाँ पे इंटेंशन था नहीं, ऑब्वियसली बात है किसी ने सोचा नहीं था कि जो ये ऐप्स का डेटा है ये इजीली एक्सेसिबल है पब्लिक में, ये जो कार्ड्स हैं मिल जाते हैं आराम से, कोई मुश्किल नहीं होती है। तो चिंता करो उधर पीछे को तो लोग ले गया अच्छा अगला बेर करा है, ओवरऑल यूएस मिलिट्री पर्सनल ने लिटरली बिखेर दिए हैं इनके न्यूक्लियर सीक्रेट्स पूरी दुनिया के सामने, और इस एपिसोड के बाद देखो अब यूरोप में फिर से ये भी बातचीत चल रही है कि हम लोग यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स अपने देश में रखते भी क्यों, इस बात पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पहली बात तो इनके जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं अपने न्यूक्लियर बेसिस में ये अप टू डेट है नहीं, फिर उसके अलावा हम इनके न्यूक्लियर वेपन्स रख कर खुद बहुत बड़ा एक डेंजर रख रहे हैं अपने ऊपर कि कल को अगर मान लो
एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक आतंकवादी हमला होता है ऐसे किसी बेस पर और कोई आतंकवादी यहाँ पर एक बॉम्ब डेटोनेट कर देते हैं तो ये होगी एक ह्यूज ट्रेजेडी। और अभी के लिए जो बाइडन ने इस पूरे इवेंट पे कोई स्टेटमेंट दी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली देंगे भी नहीं। यही कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे हुआ है इस पर इंटरनेशनल मीडिया ज़रा बातचीत ना करे, ये बात थोड़ी सी दब जाए क्योंकि US की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती हुई है। जो इनकी एक इमेज थी बहुत ही एक प्रोफेशनल आर्मी की, प्रोफेशनल मिलिट्री की, इसको काफ़ी झटका लगा है। बट होपफुली हम यही कह सकते हैं कि उम्मीद है कि इन द फ्यूचर ये लोग ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, ज़्यादा डिसिप्लिन लाएंगे अपनी मिलिट्री में और इन द फ्यूचर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा लगातार होता है तो इनके न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथ में भी जा सकते हैं। और हाँ, इस टॉपिक के बारे में आप अगर और पढ़ना चाहते हैं तो बेलिंगकैट करके एक थिंक टैंक है US बेस्ड, जिसने जो ये पूरी स्टोरी है सबसे पहले ब्रेकआउट करी। इन्होंने ही सर्च किया ये यहाँ पर फ्लैश कार्ड्स को और ये बताया कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ वेरी मच अवेलेबल ऑनलाइन, सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अवेलेबल है, न्यूक्लियर सीक्रेट्स। सो ये अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो बेलिंगकैट करके इनकी वेबसाइट है, वो आप सर्च करोगे तो होम पेज पे ही आपको इसकी जो रिपोर्ट है ये मिल जाएगी। এটা তো রাশিয়ার জন্য খুব সুখকর, সেটাই তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে রাশিয়াকে একবারে সবকিছু জানায় দিল যে আমরা কোথায় কোথায় আছি, আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ। আমরা জানি যে পুরো পৃথিবীতে আসলে US এর বেস স্টেশন আছে, হ্যাঁ সব জায়গাতে আছে, এটা সবার জানা, কিন্তু কোথায় আছে কিভাবে আছে এটা তো আসলে কারোর জানা কারোর জানা ছিল না, এখন তো সবাই জানে। এখন হয় ওরা সরিয়ে নিবে এগুলাকে এবং সিকিউরিটিটাকে আরো ইমপ্রুভ করবে, আদারওয়াইজ তাদের জন্য এটা প্রবলেম এবং যেসব দেশ রাখছে তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা বড় ধরনের প্রবলেম, তাদের জন্য কোনো এখন এটা নিয়ে আন্দোলন করতে পারে। আমি অবাক হয়েছি যে তার কি কে সবসময় দেখি যে সবসময় আমেরিকার বিপক্ষে কথা বলে না, সবসময় ইসরায়েল আমেরিকার বিপক্ষে কথা বলতে থাকে, ওই যিনি ভিডিওটি করেছে ওই নিয়ে ভদ্রলোক একই কথাই বলছিল যে সবসময় মনে হয় যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে যাবে মনে হয়, কিন্তু তারাও যে এই বেসটাকে রেখে দিয়েছে এখানে, মানে US এর বেসটা এখানে রাখা আছে সেটা কিন্তু আসলে জানা ছিল না, এটা ওই অ্যাপ থেকে ইনফরমেশন লিক হওয়ার কারণে সেটা জানা গেছে। তো সবসময় তারা মনে হয় যে আরে দুজন দুজনের খুব শত্রু, কিন্তু আসলে তারা ভেতরে ভেতরে একজন আরেকজনের খুবই ভালো বন্ধু। হ্যাঁ, এবং জার্মানিতে বেস স্টেশনে দেখেছো কি পরিমাণ ফ্লাইট রাখা আছে, রাখা আছে মানে যে কোনো সময়ের জন্য তারা প্রস্তুত ওখানে। তো এখন রাশিয়ার জন্য অনেক ভালো হয়েছে, আর আমেরিকার জন্য যেটা হচ্ছে আমেরিকাকে এখন নতুন করে প্ল্যান করতে হবে, নতুন করে সবকিছু মুভমেন্ট করতে হবে, আর নিউক্লিয়ার উইপনের আরো অনেক ইনফরমেশন হয়তো লিক হয়ে গেছে যেগুলো আসলে নতুন করে আবার রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে। দেখা যাবে এখান থেকে অনেক ধরনের সংগঠন আছে যারা চায় মানুষের ক্ষতি করতে, তারাও হয়তো অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে তাদের আরো সাবধান হওয়া উচিত এবং প্রপার সেনাবাহিনীতে যে প্রপার লোকজন দরকার সেইভাবে তাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে তাদেরকে তৈরি করা এবং তাদের আসলে মেইন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে আসলে একঘেয়েমি দেখা গেছে কন্টিনিউয়াসলি এক ধরনের, মানে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু একঘেয়েমি চলে আসে, তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরও এই পাসওয়ার্ডগুলো ঘন ঘন মনে রাখা সবকিছু করা আসলে একঘেয়েমি তা স্বাভাবিক। এই জন্য তাদের আসলে প্রপার রিক্রিয়েশনটা দরকার, হ্যাঁ তাদের ছুটি থেকে শুরু করে এভরিথিং মনে হয় যে তাদের জন্য আলাদা এমন কোন অ্যাপস তৈরি করা যেটা তার শুধুমাত্র তারাই জানবে এবং তোমার US এর আর্মিদের কাছে থাকবে বা যে কোনো দেশের আর্মি যারা চায় নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন করতে শুধু তাদের মধ্যেই থাকবে, এটা বাইরে কোথাও যাবে না। কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যাপস যদি থাকে তাহলে আলটিমেটলি তো এটাকে হ্যাক করা যাবে, অনলাইনে চলে আসবে, এটা আসলে মেমোরাইজ করতে হবে, তবে হয়তো বা সংখ্যাটা কমায় দেওয়া যেতে পারে যে তোমার এরিয়া এতটুকু, এখন যারা দেখা যাচ্ছে 85টা ডোর ব্যবহার করছে তাদেরকে কমায় দিয়ে বলা হলো যে তুমি 50টা ডোর ব্যবহার করবে, এর বেশি তোমার অ্যাক্সেস দেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে হয়তোবা তাদের এই যে মেমোরাইজ। আর আসলে এতগুলো মেমোরি আমরা এই নিজেরাই দেখো না, যে আমরা যখন ইয়াহু মেইল, জিমেইল, তোমার মানে আর মেইল, তারপর হচ্ছে ই-কমার্সের সাইট, এখন অফিসের মেইল, ই-কমার্স সাইডের পাসওয়ার্ড, মানে ই-কমার্স সাইডের জন্য আলাদা আলাদা আমাদের পাসওয়ার্ড দিতে হচ্ছে, মানে এত কিছু আসলে আমরা সাধারণ মানুষ আমরাই মনে রাখতে পারি না। হ্যাঁ, তারা হয়তো সেনাবাহিনীতে কাজ করে, তারা আরো
তাদের ব্রেনটাকে আরো শার্প করেছে এবং বারবার প্র্যাকটিসের কারণে হয়তো তারা 50টা বা 85টা মনে রাখতে পারছে, কিন্তু এটাও তাদের জন্য আসলে অনেক কঠিন আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ, রেগুলার ওদের হার্ড লাইফের পর আবার এগুলো মেমোরাইজ করে এগুলোকে অ্যাপ্লাই করা, এটা আমার দ্বারা তো কখনোই সম্ভব না, আমি সব পাসওয়ার্ড ভুলে যাই। তাছাড়া আমি নিজের নাম্বারটা ছাড়া কারো নাম্বার মুখস্থ নাই আমার, তো এটা আমার জন্য খুবই মানে ভয়ঙ্কর একটা জিনিস, মনে করো যে আমি এটা মাথায় রাখতে পারবো, কখনোই পারবো না। তো ওভারঅল ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারলাম যে এই খারাপও লেগেছে, আর এই নিউজটা আসলে এমন সময় হয়েছে যে যখন হচ্ছে জো বাইডেন ক্ষমতায় এসেছে, যে কারণে হচ্ছে নিউজটা ওইভাবে লিক হয়নি, এটা শুধুমাত্র অনলাইনে চাপিয়ে গেছে আর কি এইভাবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা যদি ট্রাম্পের সময় হতো তাহলে ট্রাম্পকে ওনাকে কিন্তু পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই পছন্দ করে না, সে কারণে দেখা গেছে সেটা অনেক ঢোল বাজানো হতো, ঢোল বাজানো হতো ওনাকে আরো পচানোর জন্য। কিন্তু যে জো বাইডেন আছে দেখেই আমার জিনিসটা মনে হচ্ছে যে টোটালি চেপে গেছে, খুব সুন্দরভাবে সে এটাকে ম্যানেজ করতে পেরেছে। তো আশা করব ইউএস তাদের সিকিউরিটিটাকে আরো ডেভেলপ করবে এবং তাদের যে সেনাবাহিনীর লোকজন আছে তাদের প্রপার রিক্রিয়েশন এবং তারা যেন এগুলো মেমোরাইজ করে রাখতে পারে এবং নেক্সট টাইম যাতে এই ধরনের ভুল না করে সেই ধরনের তারা প্রপার একটা গাইডলাইন দিবে তাদের সেনাবাহিনীদেরকে। তো আজকের এই ভিডিওটি আসলে একটা নিউজ কেন্দ্রিক ভিডিও ছিল, আর এই নিউজের যে ভিডিওটি দেখে আমরা যে রিয়েকশন দিলাম সেটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।